प्यारे बच्चों, जब नीट के एग्जाम में सिर्फ एक दिन बचा है, और यह भी बात सही है कि एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह भी बात सही है कि आपका ब्रेन अल्ट्रा फोकस्ड हो जाता है, और यह भी बात सही है कि आपने पीछे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आप चाहे जितने साल से तैयारी कर रहे होंगे, ये एक दिन आपका किस्मत बदलने वाला है। दो तीन चीजें बच्चों बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको अप्लाई जरूर करिएगा। बच्चों, पहली बात कि अगर पीछे कुछ पढ़ाई नहीं हुई है तो उसको सोच के परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, दिमाग में कोई निगेटिव थॉट नहीं लाना है। तीसरी बात, अगर एक दो साल से आपका सिलेक्शन एक या दो नंबर से रुका है तो फिर उससे भी परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आगे की जर्नी है। प्यारे बच्चों, आपने पीछे जैसा भी पढ़ा होगा, ये अक्सर देखने में आता है बच्चों, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पेपर के एक या दो दिन पहले आपका ब्रेन अल्ट्रा फोकस्ड हो जाता है और बहुत एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव होता है तो उसके दो डायरेक्शन होते हैं, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर निगेटिव जाएंगे एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, पॉजिटिव जाएंगे तो लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। अब आपको दो काम करना है। पॉइंट नंबर वन, कल शाम को 6 बजे तक आपको जो भी पढ़ना लिखना है उसको टोटली पैकअप कर लीजिए, और उसके बाद आपको सिर्फ रिलैक्स करना है अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर फूड लेना है, और प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको करना यह है कि अभी तक आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं उन टेस्ट में जो गलतियां की हैं आपने उसको जरूर एक लिस्ट बनाई होगी, और जब लिस्ट बनाई होगी तो उसको अच्छे से रिव्यू करिए। रिव्यू ये करिए कि उस तरह की गलती आपको 17 तारीख के पेपर में नहीं करके आना है। आगे बच्चों, एक खास बात कि कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, अगर कुछ छूट भी गया है तो उसमें रिग्रेट नहीं करना। एक बात याद रखना, कल शाम को 6 बजे तक जितना भी करना है कर लेना, और उसके बाद अपने ब्रेन को टोटली रिलैक्स देना, ब्रेन को टोटली आराम देना, और अपने हेल्थ का ध्यान देना। अगली बात बच्चों, एक और बात है, ये मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं अपने इतने साल के अनुभव के बाद, अपने बहुत सारे सक्सेसफुल बच्चों से बात करने के बाद। तो याद रखिएगा, एंग्जाइटी की तरफ मत ले जाइए अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। जो भी आपने की नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करिए, और कल शाम को 6 बजे तक सब कुछ पैकअप कर लीजिए और प्रॉपर स्लीप लीजिए। नींद आएगी नहीं, कोशिश करिएगा और देखिएगा, आपका इम्तहान अच्छा होगा और आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच।